सो गाइस, अगर आप अभी YouTube पर सर्च करोगे माय फर्स्ट ब्लॉग तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे क्रिएटर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। एंड यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ज़्यादा का वीडियो पे यहाँ पर लाखों में व्यूज़ है, मतलब ज़्यादा का वीडियो यहाँ पर वायरल वीडियो है एंड जिन पर बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक क्रिएटर की वीडियो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई है जिसमें एक कीवर्ड यूज़ किया गया है फर्स्ट ब्लॉग, एंड एक ही वीडियो पे दो दिन में 27,000 व्यूज आया है। यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से हो चुके हैं, मतलब पहली वीडियो अपलोड किया, पहला ब्लॉग अपलोड किया और वो भी वायरल हो गया। एंड यहाँ पर यही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर ने अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया इसी तरीके से जिसपे लाखों में व्यूज गया है, जो कि ज्यादा का वीडियो यहाँ पर वायरल हुई है। सो गाइस, ऐसा हो क्यों रहा है, ये माय फर्स्ट ब्लॉग वाली वीडियो वायरल क्यों हो रही है, इन पे इतना अच्छा खासा व्यूज कैसे आ रहा है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बूस्ट हो सकता है एंड आपकी एक ही वीडियो से आपका चैनल ग्रो हो सकता है। चाहे आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे ब्लॉगिंग का हो, चाहे गेमिंग का हो, चाहे टेक का हो, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, लेकिन आप इस ट्रेंड का यूज़ करके आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ गेन कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है एंड अभी तक किसी भी क्रिएटर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है एंड मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेंड का फ़ायदा कैसे आप उठा सकते हो। तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। एंड गाइस, हमारे चैनल पर प्रमोशन भी चल रहा है, अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट कमेंट कर देते हो तो मैं आपके वीडियो को अपनी कम्युनिटी टैब, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, अपने टेलीग्राम पर और मेरी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा व्यूज एंड वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर मिल जाएंगे एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, क्योंकि एकदम आपकी वीडियो पर व्यूज आ जाएगा, आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी तो भाई वीडियो वो वायरल भी हो सकती है। तो सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे मेरी वीडियो आती है, उस पर आपको फर्स्ट कमेंट करना है। अगर आप फर्स्ट कमेंट नहीं कर पाते हो फिर भी आपको कमेंट कर देना है, मैं उसमें से एक दो चैनल को मैं प्रमोट कर देता हूँ। तो फटाफट जाइए, नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर आप चैनल पर नए हो, कॉन्टेंट आपको पसंद आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वीडियो वायरल क्यों हो रही है। यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है, अगर कोई भी बंदा पहली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है एंड किसी पर्सन के सामने वो वीडियो जाती है तो वो पर्सन उस वीडियो को देखना चाहता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि बंदा ये पहली बार अपने चैनल पर वीडियो क्रिएट कर रहा है तो किस टाइप की इसने वीडियो क्रिएट की होगी, यानी कि कैसी वीडियो ये बना रहा है। मतलब मेरे सामने भी अगर कोई वीडियो आती है तो मैं भी जानना चाहूंगा, अगर पहली बार किसी बंदे ने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है तो मैं जानना चाहूंगा ये कैसी वीडियो बना रहा है। तो ये एक चीज यहाँ पर काम कर रही है, इस वजह से ये ब्लॉग ज्यादा वायरल हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट ब्लॉग ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर के, तो यहाँ पर काम कर रहा है यूट्यूब का एल्गोरिथम। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा व्यूज आते हैं, लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करते हैं, ये टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ पर क्या होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम में जो कीवर्ड होते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी होती है, जो एक कीवर्ड होता है, जैसे यहाँ पर माय फर्स्ट ब्लॉग है, इस प्रकार के कीवर्ड पर जो भी वीडियो बनती है वो ऑटोमेटिक रैंक करने लगती है, मतलब वो कीवर्ड ऑटोमेटिक रैंक करने लगता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम उस कीवर्ड को यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रैंक कराता है एंड उस कीवर्ड के ऊपर जो भी वीडियो बनती है यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको ज्यादा रीच देता है, यानी कि ज्यादा बूस्ट कराता है और जैसे जैसे लोगों के सामने वीडियो पहुंचते रहती है उस पर जो पहला फैक्टर है वो काम करता रहता है एंड वीडियो वहां पर वायरल हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे जोगेंद्र भाई का आया है, बमंडर आया है, बमंडर जो भी हो वो आया है, तो उस पर बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियो बनाई है एंड सारी वीडियो पे बहुत अच्छा खासा व्यूज आया है एंड जिन लोगों ने जोगेंद्र के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है वो भी वीडियो अभी ब्राउज फ्यूचर में जा रही है, लोगों के सामने जा रही है, उनका भी इंप्रेशन बढ़ रहा है एंड वो भी वीडियो बूस्ट हो रही है। तो इसी प्रकार से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है, किसी टॉपिक के ऊपर अगर ज्यादा सर्च होते हैं या ज्यादा लोग उसको देखते हैं तो वो कीवर्ड एक रैंकिंग कीवर्ड बन जाता है, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड बन जाता है। तो इस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही है। एंड अब बात कर लेते हैं कि आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो, आप कैसे व्यूज गेन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज एक आपको मैं बता देता हूं, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, क्योंकि इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। अगर आप फ्यूचर में अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो ब्लॉगिंग का तो भाई अभी कर दो, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाओ, उस पर टाइटल लिखो माय फर्स्ट ब्लॉग सिंपल, और आपको थंबनेल में भी यही लिखना है माय फर्स्ट ब्लॉग सिंपल से आपको थंबनेल बनाना है और अपलोड कर देना है। अगर आपका ये वायरल हो जाता है तो भाई एक ही वीडियो से, एक ही ब्लॉग से आपके चैनल की कायनात बदल जाएगी, आपका एक ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट हो जाएगा, उस पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो भाई अभी अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई अभी ये अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का, अभी रैंकिंग कीवर्ड है, अच्छे खासे ब्लॉग वायरल हो रहे हैं, तो अभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके अलग अलग कैटेगरी के चैनल है, गेमिंग का है, टेक का है या कुकिंग का है या किसी भी कैटेगरी का चैनल है, तो आप उस पर भी अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर सकते हो। मतलब आप जैसे मैं टेक की वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने सेटअप का भी फर्स्ट ब्लॉग बना सकता हूँ या अपने होम टूर का दिखा सकता हूँ, उसमें मैं टाइटल लिख सकता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग या वहाँ पर अपने थंबनेल में लिख सकता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग, वो भी
चीज मेरी वायरल हो सकती है, उसके साथ साथ मेरा चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है एंड आपका वॉच टाइम भी यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, आपको सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपने ही चैनल पर चाहे गेमिंग का हो चाहे कुकिंग का हो, अपना फर्स्ट ब्लॉग बना के उसको अपलोड कर सकते हो, वो भी आपका वायरल हो सकता है। बहुत सारे क्रिएटर ऐसा कर रहे हैं, उनकी वीडियो पर बहुत अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, आप भी ऐसा कर सकते हो। एंड तीसरी चीज क्या कर सकते हो, ये सारे क्रिएटर कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माय फर्स्ट ब्लॉग कीवर्ड का यूज करना है, उसमें आपको टाइप कर लेना है माय फर्स्ट ब्लॉग, या आपको हैशटैग लगा के माय फर्स्ट ब्लॉग लिख देना है। एंड आपको अपनी वीडियो के टैग में, यानी कि जो भी आप वीडियो अपलोड करें उसके टैग्स में माय फर्स्ट ब्लॉग जरूर लिखना है, माय लिखना है, फर्स्ट ब्लॉग लिखना है, इस टाइप से अलग अलग तरीके से आपको इस कीवर्ड का यूज करना है, क्योंकि ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में है, इस कीवर्ड पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है एंड यूट्यूब इसको बूस्ट करा रहा है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। आप अपने टाइटल में भी यूज कर सकते हो माय फर्स्ट ब्लॉग, जिससे आपकी वीडियो की रीच बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं, इनका आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो का व्यूज बढ़ाने के लिए एंड कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो इन तीनों तरीके में से, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है अगर आप अभी स्टार्ट करते हो। अगर बाद में करोगे तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपको इतना फायदा नहीं होगा। देखो भाई, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे आपको वीडियो क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्या पता आपका व्लॉग वायरल हो जाए, क्या पता आपकी जो वीडियो आप बना रहे हो वो अच्छी चल जाए और उसमें बहुत अच्छा खासा व्यूज आ जाए, वॉच टाइम मिल जाए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो भाई अभी ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, मजा आ जाएगा अगर आपका व्लॉग वायरल हो जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, और नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।